हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के एक्सप्रेशंस डेबिट कार्ड के बारे में। ये आईसीआईसीआई बैंक का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डेबिट कार्ड है, बिकॉज आप इस कार्ड को खुद डिज़ाइन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस कार्ड का लेआउट सेलेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट आप चाहो तो इस कार्ड में अपना फोटो भी लगवा सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा डेबिट कार्ड है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएंगे। सो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं इस कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस कार्ड में मिलता है वो है ज्वाइनिंग बेनिफिट। जैसे ही आप इस कार्ड को लेते हो, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग गिफ्ट दिए जाते हैं, दो गिफ्ट वाउचर। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया जाता है काया की तरफ से 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर, और सेकंड यहां पे आपको दिया जाता है सेंट्रल की तरफ से 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर। लेकिन ये जो सेंट्रल का गिफ्ट वाउचर है, आप उसको रिडीम तभी करा पाओगे जब आपने कम से कम 2500 रुपए की शॉपिंग की हो सेंट्रल से। अगर आपका जो शॉपिंग अमाउंट है वो 2500 से कम है, तो इन दैट केस आपका ये जो वाउचर है 500 रुपीस का, वो आप रिडीम नहीं कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें तो आपको इस कार्ड में दो कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर क्वार्टर। और जैसा कि आप जानते हो, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेंगे। पहला दो क्वार्टर में आपको ये लाउंज एक्सेस बिल्कुल नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थर्ड क्वार्टर से अपने कार्ड में अगर आप लाउंज एक्सेस का बेनिफिट चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने कार्ड से एक क्वार्टर में कम से कम 3000 रुपए स्पेंड करने हैं। अगर आप अपने कार्ड से एक क्वार्टर में अगर आप 3000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज में एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर आप स्पेंड करोगे तो फिर उसके अगले में मिल जाएगा। मतलब कि जिस क्वार्टर में आप 3000 रुपए स्पेंड करते जाओगे, आपको उसके नेक्स्ट वाले क्वार्टर में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाएंगे दो। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको वो भी शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करते हो, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। जैसे कि वहां पे अगर आप खाना खाओ, वहां पे आप रेस्ट करो, वाईफाई यूज करो, ड्रिंक्स वगैरह लो, मतलब कि बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। तो अगर आपके पास ये वाला कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो आपको इस कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी मिलता है। अगर आप अपने कार्ड का यूज करके IOCL, HPCL या फिर BPCL पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो वो है इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करते हो डोमेस्टिक में, मतलब कि इंडिया में अगर आप अपने कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करते हो, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर आप अपने कार्ड को इंटरनेशनल यूज कर रहे हो, इंडिया के बाहर कहीं पर भी यूज कर रहे हो, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने कार्ड का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में स्पेंडिंग कर रहे हो, टेलीकॉम में, एडुकेशन, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट पेमेंट्स, फ्यूल एंड पोस्ट ऑफिस पेमेंट वगैरह करते हो, तो इन जगहों पे स्पेंडिंग्स करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इस कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इस कार्ड के डेली स्पेंडिंग लिमिट्स की। तो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके ATM से कैश विड्रॉ कराना चाहते हो इंडिया में, तो यहाँ पे आप एक दिन में 1 लाख रुपीज तक का कैश विड्रॉ करा सकते हो कार्ड का यूज करके ATM से। वही अगर हम इंटरनेशनल स्पेंडिंग लिमिट्स की बात करें कि अगर आप इंडिया के बाहर कहीं गए हो और वहां पर अगर आपको अपना कार्ड को यूज करके ATM से कैश विड्रॉ कराना है, तो इन दैट केस यहाँ पे जो आपको डेली लिमिट मिलती है वो है 2 लाख रुपीज की, मतलब कि 2 लाख रुपए तक का आप कैश जो है वो आप ATM से वहां पे विड्रॉ कर सकते हो। वही अगर हम इस कार्ड के डेली परचेज लिमिट की बात करें कि मतलब आपने कार्ड को यूज करके कहीं पे कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, चाहे वो आप रिटेल स्टोर्स में जाके करो, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से करो, तो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके किसी भी तरह का परचेजेस कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे जो आपको डेली लिमिट मिलती है वो है 5 लाख रुपीज पर डे की। और इंडिया के बाहर अगर आप कहीं पे भी जाके अगर आप कोई स्टोर में शॉपिंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन स्पेंडिंग्स करते हो, तो वहां पे जो आपको डेली की लिमिट मिलेगी वो होगी 2 लाख रुपीज की। अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग
का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, इस कार्ड को लेने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको मीट करना पड़ेगा। आपका बैंक में सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो बैंक में भी जाके आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कार्ड में अपना फोटो चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके क्लिक करो, वहां पे अपना फोटो अपलोड करो और फिर अपना कार्ड को खुद ही डिजाइन कर लो। अगर आपको फोटो नहीं चाहिए तो फिर आप बैंक जाके भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको पूरे बेसिक टेम्पलेट्स मिलेंगे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो लगभग सारी चीजें हमने इस कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।